मैं जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आज मैं आई हूँ छत पे, योगा करने के लिए आई हूँ। दो तीन दिन से मैं आ नहीं पा रही थी, थोड़ा काम था मुझे, तो आज मैं आई हूँ। और मेरे पीछे देखिए कितना सुंदर है, पीछे नारियल के पेड़ है, पानी बहुत सारा तालाब में। दूसरी तरफ से दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत सुंदर है इधर भी। ये देखिए, इस तरफ भी बहुत सुंदर है, पीछे पानी है और नारियल के पेड़, और बहुत बड़ी बाड़ी है यहाँ पे, इसमें आम के पेड़ हैं और नारियल के पेड़ हैं। और मैं इस टाइम पे हूँ 9th फ्लोर की टेरेस पे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और सामने धूप है तो आंखें भी नहीं खुल रही है मेरी। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सामने समुंदर, ये आपको हमारी सोसाइटी दिखाती हूँ कि कैसी दिखती है वो बैक कैमरे से। और यहाँ से मैं आपको घर दिखाती हूँ हमारा, ये देखिए, ये बालकनी है और सामने मनी प्लांट है, और दूसरी तरफ वहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं स्टैंड में। तो ये दो बालकनी और ये विंडो, ये सामने से व्यू। और शाम को बनाया था हमने पास्ता, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं आज। मैंने पास्ता ले लिया यहाँ पे और पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, उसमें नमक डाल दिया और एक चम्मच तेल डाला मैंने इसमें, और अब मैं इसमें पास्ता डाल दूँगी। और जब तक पास्ता सॉफ्ट होता है तब तक मैं बाकी का काम कर लूँगी उसका। और अब मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है मैंने, और यहाँ पे शिमला मिर्च को मैंने एकदम बारीक काट लिया था, उसको हल्का सा सॉफ्ट कर लूँगी पहले। और जैसे ही शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाएगी तो उसमें मैंने कॉर्न लिया है, मकई या भुट्टा भी बोलते हैं उसको, तो वो लिया है और उसको भी हल्का सा सॉफ्ट कर लूँगी मैं। और इसमें हल्का सा नमक डाला है मैंने और काली मिर्ची, और मैंने फिर से कढ़ाई में तेल लिया है और उसमें मैंने लहसुन डाला है हल्का सा, उसको कूट के। और जब हमारा लहसुन अच्छे से भुन जाएगा तो उसमें मैंने 2 चम्मच मैदा डाला है, और मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी मैदे को। और उसके बाद 1 कप मैंने इसमें दूध डाला है और इसको अच्छे से पकाएंगे हम। जब अच्छी तरह से पक जाइए तो इसमें मैंने चीज़ डाल दिया है, थोड़ा ज़्यादा करके चीज़ डालेंगे इसमें, और काफ़ी अच्छा लगता है। और जो पास्ता का मिक्सचर आया था उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसको अच्छी तरह से पका लेंगे, और जो सब्ज़ियाँ मैंने सॉफ्ट करके पका के रखी थी उनको भी इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत ही टेस्टी पास्ता बनता है इस तरह से। और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें पास्ता ऐड कर दूंगी जो मैंने पहले ही बॉईल करके रखा हुआ है, और ऊपर से और चीज़ डाल देंगे, और इसमें हल्का सा नमक डालेंगे
और काली मिर्ची तो मैंने पहले ही ऐड करी थी इसमें। और हमारा पास्ता बनके रेडी हो गया, बहुत ही टेस्टी बना था। और अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, तो मैं तैयार हो रही हूँ। और आज मैंने ये वाली ड्रेस डाली है, कलरफुल है, मल्टी कलर में, बहुत अच्छी लगती है ये भी। बाय, मैं जा रही हूँ। इसलिए नहीं बोल सकती कि सब नहा रही हैं, कईयों को बाद में पता लगा कि आज संक्रांति है। और ये दमन मार्केट, अब तो मार्केट देख के कोई बोल भी नहीं सकता है कि कोरोना है, क्योंकि सब कुछ खुल चुका है। और घर आते आते काफ़ी लेट हो गया था हमें, तकरीबन 8 बज गए थे और अंधेरा भी काफ़ी हो गया था वापस आते हुए। और शिल्पी ने तो खाना भी बना दिया था जब हम घर पहुंचे, तो सब्जी बना रही थी वैसे तो, वो लौकी की सब्जी और रोटी, तो ये लौकी रखी है उसने काट के। खाना तो बना लेती है वो वैसे तो, और आजकल तो वैसे ही घर पे हैं तो बच्चे बोर हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ काम हो जाए तो अच्छा रहता है उनको भी। और जब तक खाना बन रहा था मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए, और इसके साथ ही करती हूँ वीडियो का एंड और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय, थैंक यू।